घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम करने में मजबूर हो जाते हैं। कठिन से कठिन काम को कैसे सरल और आसान बनाएं, अपनी किचन को एकदम सेफ और क्लीन रखें, घर और अपना सेफ रखें, पैसे भी बचाएं, समय भी बचाएं और अपने लिए कुछ वक्त बचाएं। तो नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी टिप्स की तरफ। क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से कुछ हमारी दालें होती है। तो ये है चने की दाल। क्या होता है दोस्तों, चने की दाल कुछ सीमी हो तो हमारी कम बनती है। अगर हमें इसका बेसन पिसाना है, हमारी सीमी है, अर्जेंट है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, तो देख लेते हैं दोस्तों। एक छोटा सा टिप्स है, काश आपको पसंद आएगा। कठिन से कठिन हम अपने काम कैसे सरल बनाएं, तो हम इस तरीके से कपड़ा लेंगे, उस पर हम इस तरीके से पतला पतला बिछा लेंगे। इस तरीके से बिछा लेंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर से कपड़े को ढक देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, लेना है आयरन, जो हमारा प्रेस होता है वो लेना है, और इस तरीके से हम अपनी गीली हुई दाल को इस तरीके से सुखा सकते हैं। तो दोस्तों 1 से 2 मिनट लगेंगे हमारी कितनी भी दालों, हम अपने कठिन से कठिन अर्जेंट में इस तरीके से अपनी दाल को सुखा सकते हैं। फिर दोस्तों इसे हम बेसन बनाए या फिर दाल बनाए, इसका हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने कठिन से कठिन समस्या को सॉल्व कर सकते हैं एक छोटी सी अपने दिमाग से। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, काश आपको अच्छा लगा हो तो अप्लाई जरूर कीजिए। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। गर्मी का सीजन है, प्याज काफ़ी सड़ता है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से जो हमारे घर में बच्चों के टॉल वगैरह आता है या फ्रूट की जो इस तरीके से पोलोथीन आती है वो लेना है, और हमारे जो प्याज है उतनी मात्रा में लेना है जितना इसमें फूल हो जाए। तो इस तरीके से हमें लेना है और इसे कहीं भी हैंग करके रखें, इससे हमारा प्याज एकदम सेफ रहेगा और कोई भी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। इस तरीके से बहुत आसानी से हमारी किचन में सेफ रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी टिप्सों से हमारे कठिन से कठिन काम आसान और सरल और हमारी किचन एकदम सेफ रहती है। अगला टिप्स देख लेते हैं। जब कभी हम प्याज काटते हैं तो काफ़ी हमारे आंखों में या पंखे के नीचे बैठते हैं तो उड़ता है। तो दोस्तों हमें 2 से 3 मिनट के लिए पानी में डाल देना है। इसके बाद हम इसको काटेंगे और इसका छिलका भी काफ़ी आसानी से निकल आता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, अब हम कितना भी प्याज काटेंगे हमारे आंखों में नहीं लगेगा, जो इसकी झड़प है वो बिल्कुल नहीं उड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब कभी हमें अर्जेंट में या ढेर सारा प्याज काटना हो तो इस तरीके से पहले हम 2 से 3 मिनट इसको पानी में डाल देंगे, इसके बाद इसको हम काटेंगे, तो बहुत आसानी से हमारा ढेर सारा प्याज कट जाएगा और हमारे आंखों में इसकी झड़प नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने किचन के काम हल्के फुल्के हैं जो छोटे छोटे इस तरीके से निपटा सकते हैं। अगला टिप्स दोस्तों देख लेते हैं। केले तो हम खा लेते हैं मगर ये छिलका हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों छिलका भी हमारे बहुत काम का है, हमें क्या करना है, इसे छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से कट कर लेना है, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, लेना है कोई बॉल लेना है, जो आपके पास हो, बाटल हो, उसमें भी डाल सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से 2 से 3 दिन के लिए रख देना है। इसके बाद हम इसको ढक करके रख देंगे, ढक के रख देंगे, और इस जब 2 से 3 दिन हो जाए तब हमें इसको क्या करेंगे, जो हमारे प्लांट वगैरह है उसमें डाल दें, इससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी और हमारे प्लांट और फल बहुत अच्छे से आएंगे। अगला टिप्स दोस्तों देख लेते हैं। क्या है, जब हम गांव या घर में अपना कुछ राशन भर करके रखते हैं उसमें देखते हैं कीड़े पड़ जाते हैं, तो छोटा सा टिप्स है दोस्तों देख लेते हैं। क्या करना है, हमें लेना है जो कपूर, कोई सा कपूर है वो लेना है, और एक कागज और कपड़े में इस तरीके से बंद कर लेना है, इस तरीके से बंद करना है। अब जैसे टंकी हमारी ये 60 किलो की है तो इसमें हमें बीच में रख देना है। इसके बाद हम अपने जो अनाज है, हमारे जो गेहूँ है, तो इस तरीके से हम इसमें डाल दें, ऊपर से डाल दें, इससे हमारे गेहूँ है जो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों ध्यान देना है, हमें गर्म एकदम गर्म नहीं बनना, और इसको थोड़ा एक दिन हमें खुला रखना है, इसके बाद बंद करके रख देना है। तो अगला टिप्स दोस्तों देख लेते हैं। क्या होता है, गर्मी हो या ठंडी हो, हमारी जो स्किन है वो बड़ी जल्दी ड्राई होती है, कुछ गंदी गंदी सी लगने लगती है, तो हमें लेना है केला, केले को लेना है, और लेना है व्हाइट वाला कोलगेट, और इस तरीके से हमें इसके ऊपर लगा देना, या फिर इसका हम पेस्ट बना सकते हैं, और हमने इस तरीके से लगा लिया है।
तो हमें इस तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद इसको हमें हल्के हाथों से इस तरीके से मसल देना है, इस तरीके से मसलना है। इसके बाद छोड़ देना, छोड़ने के बाद हम धुल लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कितना क्लीन लग रहा है हमें, पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हल्का फुल्का अपना हाथों से अपने शरीर की सेफ्टी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने केले से अपने शरीर या फेस में तो फर्क कितना है दोनों में दिख रहा है दोस्तों, ये कितना क्लीन लग रहा है वो कितना थोड़ा गंदा। तो एक में हमने किया था दोस्तों, इस तरीके से अपने पार्लर न जाके घर में ही अपनी सफाई कर सकते हैं। तो अगला टिप्स दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों जो प्रेस होता है हमारा काफ़ी गंदा होता है, ये चीज़ें हम पानी से डायरेक्ट नहीं धुल सकते हैं। तो हमें लेना है कोलगेट, कोलगेट को लेना है, थोड़ा सा हमें एक दो बूंद पानी डाल लेना है। पानी उतना डालना है कि ये हमारा भींगे नहीं। तो इस तरीके से हमारा जहाँ जहाँ गंदा है उस हम इसको पूरे में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको हर जगह इसको इस तरीके से ब्रश के द्वारा कर देंगे। तो जी हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, बहुत कठिन काम होते हैं, इन्हें करना काफ़ी कठिन होता है। तो दोस्तों कठिन से कठिन काम को हम इस तरीके से अपने आसान बना सकते हैं एक छोटे से दिमाग से। तो इस तरीके से दोस्तों हमें रगड़ देना है जहाँ जहाँ हमारा गंदा है उस तरीके से। अब हमें लेना है कोई कपड़ा गंदा, तो दोस्तों जो बच्चों के कच्छी वगैरह है वो हमें लेना और इससे पोंछ देना, और जो हमारी ये लीड है वो भी इसे तरीके से हल्का सा गीला कर लेना है और इसे हमें इस तरीके से पोंछ देना, इससे हमारी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, लेना है साफ़ सुथरा कपड़ा, इसमें हमें थोड़ा सा छिड़काव करना है पानी, गीला नहीं करना। और हमने जहाँ जहाँ हम इसको कुछ गंदा दिखता है और जो हमारा कोलगेट है वो भी साफ हो जाएगा और एकदम क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने आयरन को साफ कर सकते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। इसमें पानी नहीं जाना, ज़्यादा गीला नहीं करना है, देख सकते हैं कितना क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कठिन से कठिन काम है जिसे हम आसान बना सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, अगला टिप्स देखते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट इस तरीके से हम रख देते हैं या फिर हम कोई पटा वगैरह कोई सामान रखने के लिए रखते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं रखना, जब हम प्रेस करें तो इस तरीके से हमें खड़ा करके रखना है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें रख लेना है और हमें इसको, अब अगला टिप्स देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं। जब हम प्रेस रखते हैं तो इसे इस तरीके से ऐसे ही पटक के रख देते, तो हमारे घर में जो ख़राब घड़ी पड़ी है वो लेना है और इस तरीके से हमें कवर करके रख देना है, तो काफ़ी आसान हो जाता है, कम जगह में रखा रहेगा और हमारी प्रेस की सेफ्टी भी रहेगी। तो जो ख़राब घड़ी है दोस्तों उसे फेंकना नहीं है, अपने प्रेस में ही यूज़ करना है। अगला टिप्स दोस्तों देख लेते हैं, ये हमारी अजमाई हुई बिल्कुल, जो आज ही हमने दो दिन पहले अजमाई थी, वो देखा था, मुझे यकीन नहीं होता था। तो दोस्तों हमने भी इसको अजमाया, तो दोस्तों बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। इसको एक बार हम बहनों को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर कलर की हमें नेल पॉलिश पड़ती है। तो अब हमें क्या करना है, पानी लेना है, पानी हल्का गर्म कर लेना है। इसके बाद हमें ये सारी नाखूनी डाल देना है, कुछ देर के लिए हमें ढक के रख देना है। इसे दो मिनट गर्म पानी, ज़्यादा नहीं करना, इतना करना जो हमारी फिंगर जा सके। अब हमें इसे हिला देना है, इसके बाद हमें ऐंच लेना है। और जो दोस्तों हमारी कुछ गाढ़ी हो जाती, बिल्कुल सूखी वाली नहीं होगी, जो गाढ़ी हो जाती वो हमारी इस तरीके से अच्छी हो जाएंगी, तो पतली हो जाती। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी थी हमारी नाखूनी, एकदम जैसे अभी मार्केट से लेकर आए। तो दोस्तों इस तरीके से हम कठिन से कठिन काम आसान बना सकते हैं छोटी छोटी टिप्स द्वारा। तो दोस्तों काफ़ी आसान है इसको बनाना और बिल्कुल सही, आप भी ट्राई करके देखेंगे तो आपको ज़रूर यकीन होगा। तो दोस्तों ज़रूर इसको अप्लाई करें, इस तरीके से अपने छोटे छोटे काम, अपने समय और अपना घर के काम अपने आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों राधे राधे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगे ऐसे छोटे